जीत का जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। इस समय हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला जी मौजूद है। गोविंद जी, इतिहास रच दिया भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के जो काम किए गए उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उसने अपना बहुमूल्य वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत देने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व को, उत्तर प्रदेश की जनता को आभारी हूं। विपक्ष जिस मुद्दे को बुलडोजर बता रहा था, कह रहा था सिलेक्टेड लोगों पर बुलडोजर चल रहा है, अब क्या लग रहा है क्योंकि पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश में मिल गया? उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण के जो काम किए हैं वो, उत्तर प्रदेश में सुशासन देने का हमने काम किया वो, और उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, संगठन के कार्यकर्ता जिन्होंने नीचे गांव-गांव जाकर के गरीब कल्याण के कामों को जनता के बीच पहुंचाया है, और एक स्वच्छ पारदर्शी सरकार का आज परिणाम है जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि इतनी बड़ी जीत देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने। जीत का श्रेय आप किसको दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता को देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मोदी जी, योगी जी और प्रदेश के नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को देता हूँ मैं। बातचीत करने के लिए आप थे उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला जी, जिन्होंने इस जीत का श्रेय उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता को दिया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एनबी न्यूज लखनऊ।